नमस्ते, मैं राजेंद्र कुमार, सह आचार्य राजनीति विज्ञान, राजकीय कला महाविद्यालय सीकर। आज के अपनी चर्चा का विषय है भारतीय संविधान के एकात्मक लक्षण या संविधान द्वारा शक्तिशाली केंद्र की स्थापना। संयुक्त राज्य अमेरिका के परिसंघ की रचना के पूर्व राज्यों का प्रभुत्व संपन्न और स्वतंत्र अस्तित्व था, इसलिए वे सामान्य प्रयोजन के लिए जितनी संप्रभुता का समर्पण करना आवश्यक था उससे अधिक देने के लिए सहमत नहीं थे। परिणाम स्वरूप परिसंघ के संविधान में राज्यों के अधिकारों के संरक्षण के लिए बहुत से रक्षोपाय किए गए। भारत में इसकी आवश्यकता नहीं थी क्योंकि राज्य प्रभुत्व संपन्न इकाइयां नहीं थे। इन विभिन्नताओं के कारण शक्तियों का विभाजन केंद्र की तरफ झुका हुआ है। इस संबंध में संविधान सभा के अनेक सदस्यों का मत था कि संविधान में संघात्मक सिद्धांत की नरसंस हत्या कर दी गई है। पीटी चाको का मत था कि संविधान सभा ने जिस संविधान का निर्माण किया है यह शरीर से संगात्मक है किंतु आत्मा से एकात्मक है। सभी शक्तियां संसद को प्रदान कर दी गई हैं और व्यवहारतः राज्य विधानमंडलों को कोई शक्तियां प्रदान नहीं की गई हैं। पीएस देशमुख का मत था कि जो संविधान बना है वह है संगात्मकता की अपेक्षा एकात्मक अधिक है। पीटी चाको और पीएस देशमुख का दृष्टिकोण पूर्ण रूप से स्वीकार्य न होने पर भी मानना होगा कि भारतीय संविधान में एकात्मक व्यवस्था के भी कुछ लक्षण विद्यमान हैं। यदि भारतीय संविधान और राजनीतिक व्यवस्था का विश्लेषण किया जाए तो दो प्रकार के एकात्मक तत्व दृष्टिगोचर होते हैं। एक भारतीय संविधान के अंतरंग में उपस्थित एकात्मक तत्व, दो भारतीय संविधान के बहिरंग में उपस्थित एकात्मक तत्व। पहला लेते हैं भारतीय संविधान के अंतरंग में उपस्थित एकात्मक तत्व। भारतीय संविधान निर्माता भारतीय इतिहास के इस तथ्य से परिचित थे कि भारत में जब जब केंद्र सरकार दुर्बल हो गई तब भारत की एकता भंग हो गई और उसे पराधीन होना पड़ा। संविधान निर्माता भारत में इतिहास की पुनरावृत्ति नहीं चाहते थे, अतः संविधान निर्माताओं ने केंद्रीय सत्ता को अधिक शक्तिशाली बनाने का कार्य न्यायिक व्याख्या द्वारा सर्वोच्च न्यायालय पर छोड़ने की अपेक्षा स्वयं ही कर लेना उचित समझा। भारतीय संविधान के एकात्मक तत्व निम्नलिखित हैं। नंबर एक, शक्तियों का बंटवारा केंद्र के पक्ष में या शक्तिशाली केंद्र की स्थापना।
भारतीय संविधान द्वारा संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन किया गया है। संविधान की 7वीं अनुसूची में केंद्र एवं राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन किया गया है, परंतु यह बंटवारा इस प्रकार किया गया है कि केंद्र को राज्यों की अपेक्षा अधिक शक्तियां प्रदान की गई हैं। उदाहरणार्थ संविधान द्वारा महत्वपूर्ण विषय संघ सूची में रखे गए हैं। संघ सूची में 97 विषय रखे गए हैं और इन पर केवल संसद ही कानून बना सकती है। समवर्ती सूची में 52 विषय रखे गए हैं। इन पर केंद्रीय संसद तथा राज्यों की के विधानमंडल कानून बना सकते हैं। इस सूची के विषयों पर केंद्र और राज्य दोनों का ही क्षेत्राधिकार रखा गया है, परंतु इस सूची के विषयों पर संसद कानून बनाती है तो वह राज्यों द्वारा बनाए गए कानून को शून्य करने में सक्षम होगी। इस तरह है, ये शक्तियों के विभाजन के संबंध में यदि देखा जाए तो केंद्र को बहुत अधिक शक्तिशाली बनाया गया है। अमेरिका के संविधान में अवशिष्ट शक्तियां केंद्र को प्रदान न करके राज्यों को प्रदान की गई हैं, किंतु हमारे संविधान में कनाडा के संविधान की भांति अवशिष्ट शक्तियां राज्यों को प्रदान न करके संघ सरकार को प्रदान की गई हैं। संविधान में स्पष्ट किया गया है कि राज्यों की कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग संघीय कार्यपालिका शक्ति के अनुरूप ही होना चाहिए। इस तरह से शक्तियों के विभाजन में केंद्र को अत्यधिक शक्तिशाली बनाया गया है और राज्यों को बहुत ही कम शक्तियां प्रदान की गई हैं। धन्यवाद।